प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोडक्टिविटी को हम किस तरह मेजर करें क्योंकि प्रोडक्टिविटी को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए हमें आ, उसकी मेजरमेंट इम्पोर्टेंट बन जाती है तो प्रोडक्टिविटी अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें तो इट इज इक्वल टू यूनिट्स प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय इनपुट यूज कि हमने कितने इनपुट के ऊपर कितने यूनिट्स uh, को प्रोड्यूस किया है सो दैट इज बेसिकली इन जनरल टर्म्स वी कैन से दैट इज़ द प्रोडक्टिविटी बट देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट वन इज कॉल्ड सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी दैट मीन्स के इसके अंदर हम सिर्फ एक इनपुट यूज करेंगे uh, जैसे हम कह सकते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी तो सिर्फ वर्कफोर्स को यूज कर रहे हैं और उसके बेस पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है लेबर uh, प्रोडक्टिविटी को अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर से अगर हमने हज़ार यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं और जो लेबर आर्स यूज हुए हैं वो 250 हंड्रेड एंड फिफ्टी लेबर आर्स यूज हुए हैं लेबर आर क्या है एक वर्कर अगर आठ घंटे काम करता है तो उसको हम कहेंगे एट लेबर आवर्स अगर दो वर्कर्स आठ आठ हाँ घंटे काम करते हैं तो दैट विल मेक सिक्सटीन लेबर आवर्स तो इधर हम कह रहे हैं कि 250 लेबर आवर्स के अंदर हमने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी अगर हम सिंगल फैक्टर को देखें तो 1000 डिवाइडेड इज़ टू फिफ्टी पर लेबर आवर दैट इज सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इसके अलावा देर इज ऑल्सो मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी और इन सम केसेस वी कॉल इट टोटल प्रोडक्टिविटी इनका डिफरेंट uh, वो रिज़ल्ट आएगा uh, हो सकता है एक जगह सिर्फ लेबर को अगर यूज़ किया तो प्रोडक्टिविटी डिफरेंट आए डिफरेंट कंट्रीज़ की और अगर उसके अंदर हम कैपिटल भी डाल दें और दूसरी चीज़ें भी इंक्लूड कर दें तो उसकी प्रोडक्टिविटी डिफरेंट हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि लेबर कैपिटल एनर्जी और मटीरियल इनको हम यूज़ कर कर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करें तो उस केस के अंदर इट विल बी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाई लेबर प्लस कैपिटल प्लस एनर्जी प्लस मटीरियल इसके बेसिस के ऊपर हम कैलकुलेट कर सकते हैं बट हमें एक चीज़ का ख्याल रखना होगा वो ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि लेबर को हम जो उसका डायमेंशन है वो लेबर आर्स के तौर पर लें कैपिटल के हम रुपीस में लें एनर्जी के हम किलोट आर्स में लें मटीरियल के हम टन्स के अंदर लें ये नहीं हो सकता डिफरेंट नहीं हमने एक ही कॉमन मेजरिंग यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है सो यूजली वट वी डू इज वी कन्वर्ट ऑल दिस इन टू मॉनिटरी टर्म्स तो हम लेबर को भी पैसों में कन्वर्ट करेंगे कैपिटल को भी पैसों में एनर्जी को भी पैसों में मटीरियल को भी पैसों में और उसके बेस के ऊपर हम देखेंगे कि हमारी uh, जो प्रोडक्टिविटी uh, है उसका मेजर क्या आ रहा है